नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जैक 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर टाइम टेबल। तो टाइम टेबल देखते हैं, जो मॉक टेस्ट जो इस वर्ष 2020 का 10th और 12th का होने वाले हैं, उनमें से टाइम टेबल हम देखते हैं कौन कौन से तारीख को कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे 8/1/2020 जो बीत चुका है वो इंग्लिश था, और यहाँ पे 9/1/2020 मैथमेटिक्स, और यहाँ पे 10/1/2020 यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट था। मतलब आज 10 तारीख है और आज सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है मॉक टेस्ट का। चलिए यहाँ पे 10th का था, और नीचे में देखते हैं 12th का। तो यहाँ पे 12th का भी देखिए, यहाँ पे 12th का यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिजिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स, और यहाँ पे अकाउंटेंसी और हिस्ट्री। तो यहाँ पे था 8/1/2020 फिजिक्स इसका सब्जेक्ट था, बिजनेस मैथमेटिक्स इसका था उसका था, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स सेकंड टाइम में, और बायोलॉजी। तो ये यहाँ पे इस तरह से रूटिंग दिया हुआ। आज 10 तारीख है और आज सारे एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं। आपने भी डाउनलोड किया होगा, आप भी गए होंगे दुकान में और वहाँ से डाउनलोड करवा के लाए होंगे क्वेश्चन पेपर, या कोई भी टीचर के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को, जो मॉक टेस्ट पेपर है, उस पेपर को सब्जेक्ट वाइज आप निकाल सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है उसका आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन पेपर। अगर आप नहीं निकालें तो उसे निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें, और आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक उसी तरह से जो आपका बोर्ड का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल उसी के तरह, उसी सिलेबस की तरह होता है। तो चलिए हम बताते हैं आप किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर को, जो मॉक टेस्ट का पेपर है उस पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है झार अपडेट, यहाँ पे JHARUPDATE झार अपडेट, यहाँ पे आपको सर्च करना jharupdate.com। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद बिल्कुल ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है 10th 12th बोर्ड 2020 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो हमारा मॉक टेस्ट का था, और यहाँ पे यहाँ से आप टाइम टेबल निकाल सकते हैं। जो हम अपने आपको दिखाएं यहाँ पे टाइम टेबल, इस टाइम टेबल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम टेबल जो दूसरा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये टाइम टेबल का है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने वाले हैं, तो इस पर हमको आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से आसानी से, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक अगले पेज पे चले जाएंगे, और अगले पेज पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 10th क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ है और साइंस, ये तीनों डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि तीनों का जो टाइम था वो तीनों का टाइम पार हो चुका है। तीनों का समय मतलब जो एग्ज़ाम होता है, जिस टाइम में एग्ज़ाम होता है 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो 9 बजे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं आप नेट से। तो यहाँ आज 10 तारीख है, आज सारी जो मॉक टेस्ट का जो जो टाइम था वो टाइम पार हो चुका है। आप आसानी से सारे सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर पाएंगे आप यहाँ से। तो चलिए हम दिखाते हैं कि डाउनलोड आप कैसे करना है। तो डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, PDF डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे नीले आइकन पे, नीले रंग का जो यहाँ पे अक्षर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम एक पेपर को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो 12th का है, इंटरमीडिएट के लिए है, और एक 10th का भी डाउनलोड करके दिखाएंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ 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 पे देखिए
यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नाउ अवेलेबल नीचे में दिखाई दे रहा है, तो क्लिक हेयर करेंगे और हमारा पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट है 12th के लिए, जो इंटरमीडिएट के लिए है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे झार अपडेट .com के वेबसाइट के माध्यम से। तो आप अब चलते हैं और 10th का भी डाउनलोड करके दिखाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैथ का डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा मैथ का सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर है मॉक टेस्ट का, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हमारा रहा मैथ का क्वेश्चन, तो आप इसे बना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये जो मॉक टेस्ट का होते हैं, इसे लगभग 30 या 40% तो टच कर ही जाएंगे, ठीक है। ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है और ये 2 से 2 3 या 4 साल से लगातार चलता आ रहा है मॉक टेस्ट। एक जिस तरह से एग्ज़ाम नज़दीक आता है उसी तरह से मॉक टेस्ट भी लिया जाता है, प्री बोर्ड भी लिया जाता है। प्री बोर्ड के तौर पर ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये मॉक टेस्ट के लिए होता है, और स्पेशल ये मॉक टेस्ट को मतलब जो लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो समझ पाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट कराया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इसका पूरे तरीके से इसको समझ लीजिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।